यहाँ पर अभी ये होटल वगैरह दिख रहा था, कल गुलमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग अगले 1 बजे का, तो अभी निकल रहे हैं दूध पत्री के लिए। तो एक बार पहुँचते फिर देखते हैं क्या रहने वाला होगा, कैसा मौसम है, क्या है, ठंडा ही होगा वैसे, पर एक बार पहुँचते मिलता हूँ कैसे रहने वाला है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर आए हैं, बीच में नदी सी आ रही थी, हमें थोड़ा फोटो शूट करने के लिए रुके हैं। यहाँ पर बाहर तो ठीक आ रहा है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल ही है। अभी हम उस साइड जाने का थोड़ा देख रहे हैं, तो थोड़ी दूसरे तरीके से जाए, कैसे जाएंगे का इधर ही जा सकते हैं, एक ही बार में छलांग मार ठीक है भाई। मैं यहाँ से पत्थर पे जाऊँगा ना, ब्रिज तोड़ जा रहा हूँ, जो ब्रिज की साइड में पत्थर है उनसे जाएंगे ना। आई चेक वेट ठीक है भाई। पॉलिसी वेट वेट, अबे पत्थर क्या पानी है ही नहीं उनमें, मेरा दिल ब्रो 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 वेट ब्रो भाई ग्रिप बना के चलना ना, क्यों कटेगा स्लिप। आ रहे हो ना, जाऊं मैं? नहीं पहुंच रहा हूँ चुप कर बात है भाई, हमें लग रहा है मैं तो उधर चल जाऊंगा डायरेक्ट पकड़। भाई ध्यान से देख, एक पत्थर उठा ले यार वहां से। अरे सुन, पत्थर उठा ले वहां से, वो वाला आ देखिए, मैंने बताया ना वैसे आइयो। हाँ आ जाओ, देखिए पत्थर पत्थर आ गए ना, आ जा आगे आ जा, आराम से आती रहे, इधर पत्थर पे रख, आगे वाले पत्थर पे रख, काले वाले पे जाओ। ओए होए बुलबुले करके पानी करा दी, कोई नहीं लेट्स गो। पानी भर चुका पूरा, बुलबुले निकल रहे हैं, जा जाए कम कम दिस 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 ओके लाइक आई डिड कम ब्रो। हाँ हाँ कोई नहीं, अरे कोई ना, अरे कुछ नहीं हुआ, इसमें रखियो जो काले वाला ना। हाँ हाँ आराम से पास। तो यार हम यहाँ पे बैठे हैं अभी, थोड़ा सा जूता धो करके, थोड़ी जैसे वाटर थेरेपी कह रहे हैं, वाटर थेरेपी होती है उस टाइप का बैठे हैं अभी यहाँ पे। यार तुम लोग यहाँ पे व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, पूरा रिवर फ्लो हो रही है यहाँ से। चलो चलो जूते पहनने पड़ेंगे दोबारा, यहाँ तो मेरे को जाने देखो सिस्टम, एक जगह आराम से ना, इधर से आ जाओ वहाँ पर रक्कड़ वक्कड़ है। तो यार यहाँ पर का तुम व्यू देखो एक बार, मतलब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये दूध पत्थरी से 2 किलोमीटर नीचे है, तुम यहाँ का व्यू देखो, यहाँ से घोड़े और ATV की बाइक से जाते हैं, तुम यहाँ का एक बार व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इतना सेक्सी लग रहा है ना, क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हें जितना फ़ोन में अच्छा लग रहा होगा ना वीडियो में, उससे ज़्यादा रियल लाइफ में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर घोड़े जाते हैं या फिर ये ATV जाते हैं जो ये लगी हुई हैं, अभी ATV के पैसे तो ज़्यादा बता रहे, घोड़े पर जाएंगे नहीं हम,
तो देखते हैं यहाँ पर, या तो यहीं रुकते हैं या फिर देखते हैं अगर एटीवी पे पैसे ठीक लगाते तो वहीं जाएंगे। यार यहाँ पर हम एटीवी बाइक ले रहे थे तो एटीवी बाइक के तो पैसे कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, ये ले ना ले, क्योंकि तुम्हें पता है उस समय भी हमारे 50 रुपये ख़राब हो गए थे जब हम वापसी में आ रहे थे कल। तो अभी वो बातचीत करने गया, अगर वो 5 मिनट तक देखता, अगर नहीं आता तो ठीक है, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, अगर आता तो ठीक है 3,000 में, क्योंकि यहाँ पे ना बार्गिन करना पड़ता है, यहाँ पे एटीवी बड़े सारे खड़े हैं, तो अगर तुम आ रहे हो तो तुम भी बार्गिन करके आना, यहाँ पे मतलब पर्ची वगैरह कुछ नहीं कटती। तो यहाँ पे सारा तुम व्यू देख लो कितना सही लग रहा है, ठीक है, व्यू पूरा व्यू है, अभी तुम्हें कैमरे में थोड़ा छोटा लग रहा होगा पर यहाँ पे। तो भाई साहब अभी हम कहीं नहीं जा रहे, अभी हम वापस श्रीनगर जा रहे हैं क्योंकि दिक्कत आ गई थोड़ी सी, एंकाउंटर वगैरह आ जाती है इस वजह से। अभी यहाँ पे वापस श्रीनगर का होटल ढूंढ रहा है बैठा हुआ अपना, जितने टाइम भी हम आए ना वहाँ से आधे से ज्यादा हमने ट्रैवल ही करा है, मतलब उससे मतलब घूमने वाले डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने घूमा वो बहुत कम ही है, बाकी अभी देखते क्या सीन बैठने वाला है। आपका क्या ख्याल है सीट पर? क्या सर्च कर रहे हैं दीवाना आप? एक बार दिखाओ थोड़ा क्लोज। हाउ टू रन फ्रॉम काश, काश कौन है? बड़ी तुम्हें ना भाई साहब, अभी मत किए तारा मिंजू से जाऊंगा मैं, डल लेक से जाऊंगा भाई, छोटी सी डल लेक, कहाँ जाएगा डल लेक से? डल लेक से ब्यास, ब्यास से पंजाब। भाई देखो मैंने यहाँ पे आखिरी चीज सीख ली है, अब्दुल रहमान रस्सी जिहाद। और अभी यहाँ पे मतलब सिर्फ तुम समझोगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो ज्यादातर आ रही है ना वो 10,000 से ऊपर की है टिकट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी तो एक टिकट थी 3,500, नहीं एक टिकट 42,000 कुछ यार थी, मतलब 3,500,000 मतलब की तुम समझ लो उतने कुछ यार थी, तो मतलब हमारी तो डैश डैश हो गई समझ जाओ। बस हम सही सलामत घर तक पहुंच जाए, और तुम्हें अगर ज़्यादा दिक्कत मतलब हो गया तो तुम मेरी सारी नोटिफिकेशन तुम देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, इसको भी फॉलो कर लेना, ये भी अच्छे अच्छी रील डालता है कि जिम कैसे कर ये डालता कि एप्स किस मैं डालता हूँ कि गाड़ी को ड्रिफ्ट कैसे मारे, गाड़ी को कैसे मॉडिफाई करेंगे, अभी तो फिलहाल को तो मॉडिफाई हो जाएंगे अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई तो, अगर ज़्यादा हो तो भाई तुम समझ जा रहे हैं मेरा आखिरी लोग होगा, मेरा आखिरी इंस्टाग्राम आखिरी लोग हो सकता है, तो 250 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे पूरे कर रहा था। हाँ 250 फॉलोअर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। और हाँ 1,00,000 व्यूज भी आते हैं रील पे, क्या कहना फिर आपको, आपने कुछ आपने पेस्ट्री तक नहीं खिलाई, ट्रॉफी भी नहीं खिलाई, आइसक्रीम खिलाई, पैसे बाद में मैंने दिए थे भाई, एंड सीख बिस्किट वो 60 रुपये 1,00,000 व्यूज पे 60 रुपये अभी व्यूज आए हैं, फॉलोअर हमने तो पार्टी, तो भाई तुम बोलो ना फॉलो करने के लिए, फॉलो नहीं कर रही है, फॉलो प्लीज फॉर के भाई साहब हम ये देख रहे हो iPhone 15 Pro Max लेके बैठा है, अभी मत बोली चोरी का बिस्मिल्लाह से लेके आया जेब काटी देखो हम गुलमर्ग गए, गए क्या हम पहले तो ड्रामे कर रहा था, हम दो पुत्री गए थे वहाँ पे, जाने के बाद जब हम टैक्सी टेम्पो वाले को बोल रहे कि दो वहाँ ले चलो गुलमर्ग, वो फिर ड्रामे करने लगा कि एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, फिर चलो हमने कुछ ना कुछ बात करके निपटा लिया वो, फिर जब हम गुलमर्ग तक पहुँचे मतलब जो नख होता है वहाँ तक पहुँचे तो हमें नाके पे बहुत सारे ऑफिसर मिले, मतलब बहुत सारे दो चार ऑफिसर मिले, उनसे बात करी तो कुछ पारा से कुछ हुआ है कुछ जैसे मर दिया, तो फिर हम 2 मिनट रुके वहाँ पे, फिर हमने थोड़ा डिस्कस करा कि क्या कर जाए, या तो ऊपर जाया जाए या ना जाया जाए, हमारे भी मतलब था ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं, हम दो बीच में पहुँच चुके थे, इधर जाएँ तो भी दिक्कत उधर जाएँ तो भी दिक्कत, फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो इधर ही आते हैं श्रीनगर चलते, फिर श्रीनगर आए, बीच में हमें वो मिल गया राजपथ नगर से
कोई ऑफिसर था, वो था मतलब विरासत नगर का, वो कह रहा था मैं वहाँ पे भी ड्यूटी कर चुका हूँ पहले, मतलब वो पहले वहाँ पर जॉब करता हुआ, तो वो भी मतलब उसी मजाक कर रहा था थोड़ा सा, तो उसने भी फिर जाने दिया वहाँ से, नहीं तो वो भी रोक लेता हमें भाई, वैसे वो भी रोक लेता हमें अगर अगर वो लाजपत नगर का ना होता या फिर वो मतलब पहले वहाँ का ना होता, हम फैमिली थे तो उसको पता नहीं, फिर भी भाई अगर बाई चांस रोक लेता फिर तो बच जाते भाई, तुम तो बीच में ना इधर ना गुलमर्ग के ना इधर के भाई गांव में भी नहीं था, सड़क पे थे हम, हाईवे पे, हाईवे पे थे भाई हम, सारे फुटपाथ पे लेटे पड़े होते सामने, एक मजाक थी अबे डार्क हो गया थोड़ा तो यार बाकी अभी देखते सुन लगे, अगर नींद आती तो ठीक है, डर के हमारे वैसे ही हमारी फट रही है कि कहीं कोई हमारी आवाज़ ना सुन रहा हो, कैमरा घूम रहा है या फिर जो मरीज, तुम्हें पता ही आजकल क्या क्या चीज़ें होती है, कैमरे तक लग जाते हैं, माइक लगे होते हैं, बाकी अभी हम सो रहे हैं तो देखते हैं सुबह क्या सीन रहने वाला, अगर जो भी होगा तो इंस्टाग्राम पे नोटिफाई हो जाएगा, तो मिलते हैं सुबह सीधा।